सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब चंद्रमा और सूर्य दूसरे भाव में होते हैं तो किस तरह के फल देते हैं। जी हाँ, कई लोगों की कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति होती है तो इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह रहती है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ विराजमान होने की वजह से कंबस्ट हो जाता है। डिग्रीकली स्पेशली अगर 15 डिग्री के अंदर हो, आगे या पीछे, तो चंद्रमा जो है वो कंबस्ट हो जाता है और उसके अंदर की जो शक्ति होती है वो सूर्य के मुकाबले कम होती है। लेकिन फिर भी चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है। किस तरह से पड़ता है कि अगर अकेला सूर्य दूसरे भाव में बैठा रहे तो व्यक्ति को थोड़ा सा स्पष्ट वक्ता और बहुत ज्यादा कर्कश यानी कि बहुत सीधी बात करवाता है, जिस वजह से कई लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है या फिर कई लोगों को आघात भी पहुंचता है मानसिक रूप से। लेकिन वही चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के वाणी में बहुत ज्यादा मधुरता आ जाती है। गुस्सा तो होता है लेकिन अपने गुस्से को भी बहुत मिठास के साथ वो एक्सप्रेस करते हैं। कहते नहीं है कि लोग जो थोड़े से हैं सरकास्टिक होते हैं, यानी कि किसी भी बात को अगर कहना रहे तो वो थोड़ा सा टोंटिंग के मूड में या टोंटिंग के स्टाइल में दूसरे को कहते हैं, जिससे लोगों को बात लग भी जाती है और वो बात बहुत ज्यादा तेज भी नहीं होती। चंद्रमा और सूर्य व्यक्ति को सिल्वर से रिलेटेड ज्वेलरीज बहुत ज्यादा दिलाती हैं। स्पेशली ऐसे लोग सिल्वर से बने ज्वेलरीज को बहुत ज्यादा अपने कलेक्शन में रखते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे कि वो लोग हर चीज सिल्वर में बनाते हैं, चाहे वो गले का हो, चाहे वो कान का हो, नाक का हो, कुछ भी हो, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दूसरे भाव में रहने पर व्यक्ति को सिल्वर के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम दिलाते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य जो है व्यक्ति को फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड चीजों को भी दिलाते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको विदेश यात्रा करनी पड़े, ऐसा हो सकता है कि वो जो है अपने ही देश में बैठकर ऑनलाइन या फोन के थ्रू या किसी भी माध्यम से फॉरेन ट्रेड या फॉरेन चीजों को आदान प्रदान करना या फिर वस्तु विनिमय करना या फिर सर्विस एक्सचेंज करना, इस तरह के काम को करते हैं। और आज के डेट में इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठकर कुछ भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको विदेश ही जाना पड़ेगा। इसका कनेक्शन, मतलब चंद्रमा और सूर्य जो दूसरे भाव में है, इसका कनेक्शन किसी भी तरह से किसी भी कोई भी विदेश यात्रा, किसी भी तरह की विदेश यात्रा को नहीं दिखाता। यह सिर्फ संबंध दिखाता है कि आप विदेशों से कोई ना कोई बिजनेस करेंगे या फिर कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसा सर्विस देंगे जिससे आपका इनकम जो है वो विदेशों से आए। अब पूरी तरह से इस चीज को प्रतिपादित करना हो तो राहु की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है और द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और द्वादशीश की क्या स्थिति है उसको भी देखना जरूरी होता है। दूसरे भाव का सूर्य और चंद्र जो है व्यक्ति को अपने लवर के अलावा यानी अपने स्पाउस या लवर के प्रति थोड़ा सा हार्श बनाता है। हालांकि उनके अंदर दूसरों के दिमाग को पढ़ने की एबिलिटी होती है, बट वो अपने धर्म पत्नी का या अपने लाइफ पार्टनर का दिमाग नहीं पढ़ पाते, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति एक्सप्रेस नहीं करते। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो मेंटल हरासमेंट में भुगतते हैं या फिर उनके साथ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप ही के घर वाले, अगर पुरुष हैं उनकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, तो पुरुष के घर वाले जो है उसकी जो स्पाउस है, उसकी जो वाइफ है, उसको प्रताड़ित करते हैं किस तरह से मानसिक रूप से। किसी भी तरह का वायलेंस नहीं देते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको मानसिक रूप से बातों से या कुछ ना कुछ जैसे ताने देना या किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा एक मेंटल हरासमेंट उनको करते हैं, जो कि बहुत बुरा इफेक्ट होता है उनके स्पाउस पे। अगर वहीं पर मंगल या शनि विराजमान हो साथ में तो ऐसे लोग वायलेंट भी हो जाते हैं, कई बार हाथापाई में भी उतर जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दूसरे भाव में अपने पत्नी के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कराते, जिस वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है
और अक्सर देखा गया है कि सेपरेशन भी होता है। अगर मंगल किसी भी तरह से वहां पर आस्पेक्ट देता हो, या अष्टम भाव में मंगल हो, या फिर सप्तम भाव में मंगल हो, या द्वादश भाव में मंगल हो, तो ऐसे लोगों का डिवोर्स तक भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा जब दूसरे भाव में यानी धन भाव में होते हैं, वो मालामाल तो करते हैं, पैसे तो देते हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस, या समझ लीजिए कि अपने पर्सनल लाइफ को ऐसे लोग बैलेंस नहीं कर पाते। अगर दूसरा भाव कर्क राशि का है या सिंह राशि का है, तो ऐसे लोगों के वाइफ को, स्पाउस को या लाइफ पार्टनर को किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर पर्टिकुलरली कर्क राशि है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को एक्सीडेंट से या फिर जल में या पानी में डूबने की जो आशंका रहती है वो बन जाती है। इसलिए इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि जहां पर सूर्य और चंद्रमा दूसरे भाव में है वो राशि कौन सी है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में इस तरह के चीजें बनती है कि नहीं, इस तरह के सिचुएशंस बनती है कि नहीं। अगर बनती है तो आपको उपाय करना है चंद्रमा का। चंद्रमा का उपाय बहुत ही सरल है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिव जी को दूध और बेलपत्र से अभिषेक कीजिए, उससे जो है चंद्रमा मजबूत होते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।